चाणक्य IAS अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैरिटल रेप पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में क्या कहा है और इसके क्या मायने निकलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय कानून में मैरिटल रेप को एंट्री दे दी है। अबॉर्शन से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शादीशुदा महिलाएँ भी रेप पीड़िताओं की श्रेणी में आ सकती हैं। रेप का मतलब है बिना सहमति संबंध बनाना, भले ही ये जबरन संबंध शादीशुदा रिश्ते में बने। महिला अपने पति के जबरन बनाए संबंध की वजह से प्रेग्नेंट हो सकती है। अगर ऐसे जबरन संबंधों की वजह से पत्नी प्रेग्नेंट होती है तो उसे अबॉर्शन का अधिकार है, ये कहना है भारतीय सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पति के जबरन संबंध से पत्नी के प्रेग्नेंट होने का मामला मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल यानी MTP के रूल 3B(a) के तहत रेप माना जाएगा। MPT एक्ट के रूल 3B(a) में महिलाओं की उन कैटेगरी का जिक्र है जो 20 से 24 हफ्तों की प्रेगनेंसी तक अबॉर्शन करवा सकती हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने ये फैसला एक अविवाहित महिला को अबॉर्शन की इजाज़त देते हुए सुनाया और कहा कि ना केवल शादीशुदा बल्कि अविवाहित महिलाओं को 20 से 24 हफ्तों की प्रेगनेंसी तक अबॉर्शन कराने का अधिकार है। कोर्ट ने ये भी कहा कि महिला को MTP एक्ट के तहत अबॉर्शन कराने के लिए रेप या यौन उत्पीड़न को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। ये फैसला जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने सुनाया है। अब हम बात करेंगे कि अबॉर्शन पर फैसले के दौरान मैरिटल रेप पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणियां क्या रहीं जो इस फैसले को देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने दी। सेक्स और जेंडर रिलेटेड वायलेंस के लिए केवल अजनबी जिम्मेदार है, ऐसा मानना बेहद दुखद है। परिवार के मामले में लंबे समय से महिलाएं ऐसी हिंसा झेलती रही हैं, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। इंटीमेट पार्टनर की हिंसा एक असलियत है, अगर हम नहीं मानते तो ये हमारी लापरवाही होगी, ये रेप का रूप ले सकता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही IPC के सेक्शन 375 के अपवाद 2 के तहत मैरिटल रेप अपराध नहीं है, इसके बावजूद MTP एक्ट के रूल 3B(a) के तहत पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाना रेप माना जाएगा। इससे हटकर मैरिटल रेप की कुछ और व्याख्या करने का मतलब महिला को उस पार्टनर के बच्चे को जन्म देने और पालने के लिए मजबूर करना होगा जो उसे मानसिक और शारीरिक पीड़ा पहुंचाता है। मैरिटल रेप को क्राइम घोषित करने से विवाह संस्था को खतरा पैदा हो जाएगा, ऐसा मानना है सरकार का। तो हम देखते हैं कि क्या ऐसा होगा। सरकार मैरिटल रेप को लेकर कई बार ये कह चुकी है कि इसे क्राइम घोषित करने से विवाह संस्था को खतरा होगा और यह प्राइवेसी के अधिकार को भी प्रभावित करेगा। यह पतियों को परेशान करने का एक टूल बन सकता है। सरकार मैरिटल रेप को अपराध न घोषित करने के पीछे IPC की धारा 498A और घरेलू हिंसा जैसे कानूनों के दुरुपयोग बढ़ाने का भी तर्क देती है। IPC की धारा 498A विवाहित महिला के उत्पीड़न पर उसके पति और ससुराल वालों के खिलाफ लगती है। 2017 में सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में IPC की धारा 375 के तहत मैरिटल रेप को अपराध न मानने के कानूनी अपवाद को हटाने का विरोध किया था। 2015 में गृह राज्य मंत्री थे हरिभाई चौधरी, जिन्होंने राज्यसभा में कहा था कि मैरिटल रेप की अवधारणा भारतीय समाज के हिसाब से ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ शिक्षा, आर्थिक हालात, सामाजिक रीति रिवाज और धार्मिक मसले भी जुड़े होते हैं। फरवरी 2022 में केंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट में मैरिटल रेप पर सुनवाई के दौरान कहा कि केवल इसलिए कि अन्य देशों ने मैरिटल रेप को अपराध घोषित कर दिया है, भारत को भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। केंद्र ने कहा कि मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने से पहले इस मुद्दे पर सावधानी से विचार किया जाना चाहिए। सरकार ने इसी साल संसद में मैरिटल रेप के मुद्दे पर कहा कि हर शादीशुदा रिश्ते को हिंसक और हर पुरुष को रेपिस्ट मानना सही नहीं होगा। तो ये केंद्र सरकार का तर्क है इस विषय पर। अब मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने हेतु बहुत सारी याचिकाएं आई हैं, उन पे अगर बात करें तो भारत में पिछले कुछ सालों के दौरान
मैरिटल रेप पर कानून बनाने की मांग तेज हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट 2015 से ही इस मामले पर कई याचिकाओं की सुनवाई कर रहा था। मई 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट ने मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने की याचिका पर बटा हुआ फैसला देते हुए कहा था कि मामले पर सुप्रीम कोर्ट को विचार करना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट के मैरिटल रेप पर बटे हुए फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मैरिटल रेप से जुड़े सभी पेंडिंग मामलों की एक साथ सुनवाई पर सहमति जताते हुए मामले की अगली सुनवाई की तारीख फरवरी 2023 में रखी है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि रेप रेप है, चाहे पति द्वारा पत्नी पर ही क्यों ना किया जाए। अब तक किसी अदालत ने मैरिटल रेप को अपराध घोषित नहीं किया है। मैरिटल रेप और भारत में इस पर क्या कानून है? तो रेप को दंडनीय अपराध घोषित करने वाली इंडियन पिनल कोड IPC की धारा 375 के अपवाद 2 के अनुसार मैरिटल रेप अपराध नहीं है, यानी कि भारत में मैरिटल रेप अभी तक अपराध नहीं है। इसके अनुसार कोई पुरुष अपनी पत्नी से संबंध बनाता है और अगर पत्नी की उम्र 15 साल से कम नहीं है तो इसे रेप नहीं माना जाएगा। भारत में मैरिटल रेप की स्थिति की अगर हम बात करें तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि मैरिटल रेप के अधिकतर मामले समाज या परिवार के डर से कभी सामने ही नहीं आते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार पंजाब के 67% पुरुषों ने ये कहा है कि पत्नी के साथ जबरन सेक्स करना पति का अधिकार है। यौन उत्पीड़न का शिकार शादीशुदा महिलाओं से पूछा गया कि पहला अपराधी कौन था तो 93% ने अपने पति का नाम लिया। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2005-06 के अनुसार 93% महिलाओं ने माना था कि उनका वर्तमान या पूर्व पति ने यौन उत्पीड़न किया था। अगर स्टेट वाइज हम बात करें तो पत्नियों के खिलाफ यौन हिंसा में सबसे आगे बिहार है, उसके बाद जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 के अनुसार देश में करीब 99% यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज ही नहीं होते। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में रेप महिलाओं के खिलाफ चौथा सबसे बड़ा अपराध है। देश में हर दिन औसतन 88 रेप होते हैं, जिनमें से 94% रेप केस अपराधी पीड़िता का परिचित ही होता है। मैरिटल रेप पर अगर वैश्विक परिदृश्य की बात करें तो जोनाथन हैरिस की किताब फैमिली लॉ, जो 2014 में आई थी, उसके अनुसार ऐतिहासिक रूप से दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में ये धारणा थी कि पति पत्नी का रेप नहीं कर सकता, क्योंकि पत्नी को पति की संपत्ति माना जाता था। 20वीं सदी तक अमेरिका और इंग्लैंड के कानून मानते थे कि शादी के बाद पत्नी के अधिकार पति के अधिकारों में समाहित हो जाते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में नारीवादी आंदोलनों के उदय के साथ ही इस विचार ने भी जन्म लिया कि शादी के बाद पति पत्नी के सेक्स संबंधों में महिलाओं की सहमति का अधिकार उनका मौलिक अधिकार है। अगर हम बात करें कि दुनिया के कितने देशों में मैरिटल रेप अपराध है, सोवियत संघ के बाद 1932 में पोलैंड ने घोषणा की कि ये एक अपराध है। ब्रिटेन ने 1991 में, अमेरिका ने 1993 में मैरिटल रेप को क्राइम घोषित किया। 2019 तक दुनिया के 150 देश मैरिटल रेप को क्राइम घोषित कर चुके थे। भारत समेत दुनिया के केवल 34 देश ऐसे हैं जहां मैरिटल रेप अपराध नहीं है। इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।